हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो आपके रिलेशनशिप के बारे में है, तो इसको मैं पाइल रीडिंग कर देती हूँ, पाइल रीडिंग बना देती हूँ। तो एक ये एंजल है, ठीक है, एंजल, और एक ये डाइस। ओके, तो आपको जो भी इनमें से पाइल चूज़ करना हो, आप दोनों में से कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डाइस का है उसको पाइल नंबर 1, और जो एंजल है एंजल का पाइल नंबर 2। जो भी आपको अपील कर रहा है या जो आपको दिल से लग रहा है कि आपको उसके साथ जाना है, क्योंकि दोनों की अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। एंजल तो एंजल ही है, और डाइस जो है वो प्रेडिक्शन के भी काम आता है, और डाइस का काम होता है कि हर बार चेंज होता है ना। तो जैसी परिस्थितियां हैं या समय है वो भी बदलता रहता है, उसका काम है रोल होना, है ना। तो आप दोनों में से कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर उसके बाद प्रेडिक्शन करते हैं। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। तो सबसे पहले डाइस के लिए हम रीडिंग करते हैं, डाइस। ओके, जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है उनके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, और देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, आपकी लाइफ में अब क्या चल रहा है। सबसे पहले निकला है पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, मैजिशियन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पर तीन तो फायर एलिमेंट हैं, और एक दो तीन चार अर्थ एलिमेंट हैं, और चार ही ये वाटर एलिमेंट्स हैं, है ना। एयर एलिमेंट यहाँ पर नहीं आया है, ओके, अभी तक तो नहीं आया है, आगे की रीडिंग में अगर आ जाएगा तो अलग बात है। तो देखिए, ये मैं थोड़ा सा धीरे बोलती हूँ, तो अगर आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ाना चाहें तो आप सेटिंग में जाकर इसको 2x पर या 1.5x पर भी सुन सकते हैं, तो आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखो, मैं आपके बारे में बताना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत लविंग केयरिंग आपको पसंद है, मतलब प्यार में ही डूबे रहना चाहते हैं आप, ऐसे हैं आप, है ना। और अगर कोई प्यार से कुछ भी आपसे प्यार से बातें कर ले, मतलब प्यार लुटा दे, तो आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे आप हैं। और चीज़ें भी मैटर करती हैं आपके लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो प्यार है आपके लिए। आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स सॉफ्ट हैं, है ना। और अपने प्यार के लिए या उन लोगों के लिए आप हमेशा ही खड़े रहते हैं, हर संभव उनकी हेल्प करते हैं, हर संभव उनका साथ देने की कोशिश करते हैं जिनको आप प्यार करते हैं,
ठीक है ना, मतलब ऐसा है कि अगर कोई भी आपसे जेन्युइनली कनेक्ट होता है तो आप सब कुछ लौटा देंगे उसके लिए, ऐसा है प्यार के लिए। तो प्यार आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप प्यार से ही किसी को भी जज करते हैं, जज कहना ठीक नहीं है, मतलब ऐसा है कि अगर किसी को पहचानते हैं तो आप प्यार से पहचानते हैं। अगर वो आपसे प्यार करता है, चाहे वो कितना भी उसमें कमियां हो, कोई बात नहीं, तो आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते होंगे, है ना। ऐसी पर्सनैलिटी आपकी है। और जो आपके पर्सन हैं, आपके पर्सन प्रैक्टिकल थोड़े ज़्यादा हैं और अथॉरिटेटिव नेचर है उनका। उनको पसंद है कि अपनी मर्ज़ी से ही वो सब कुछ करते रहें। उनको प्यार मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ऐसा आपके जैसा बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि प्यार के लिए ये क्या बेवकूफ़ी है, ऐसा है ना। वो प्रैक्टिकली चलते हैं, मतलब वो अपनी भी सोचते हैं और जब मन में आता है तो प्यार भी अच्छा खासा करते हैं। वो उनकी ऐसी पर्सनैलिटी होगी, है ना। इसको अगर आप ये कहना चाहें कि जब इनको ज़रूरत होती है पर्सन को, तब ये प्यार करते हैं आपको, या जब इन्हें फीलिंग होती है प्यार की तब ये प्यार करते हैं, अदरवाइज़ ये अपनी लाइफ पर भी ध्यान देते हैं। आपके साथ क्या होता है कि आप अगर किसी से प्यार कर रहे हैं तो आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, सेक्रीफाइस कर देंगे, अपनी चीज़ों को पहले साइड रख कर पहले अपने पर्सन के लिए लुटा देंगे सब कुछ। इनके साथ ऐसा नहीं है, ये ना चीज़ों को संभालते हुए चलते हैं, आपके साथ भी संभालते रहेंगे और बाकी दूसरी जगह भी संभालते रहेंगे, ठीक है, ऐसा है। अब अगर आपका रिलेशनशिप देखें तो पहले तो रिलेशनशिप शुरुआत में बहुत अच्छा था, ये है ना। ऐसा भी लग रहा है कि शुरुआत में भी मतलब आपने अपने प्यार से अपने पर्सन को बदला है। आपके पर्सन वैसे उतने नहीं थे, लेकिन आपने जैसे जैसे प्यार किया तो वो आपके पर्सन जो है चेंज होने लग गए। हो सकता है कि आपके पर्सन ने ऐसा कहा भी हो आपसे कि तुमने मुझे बदल दिया है, मैं पहले ऐसी नहीं थी या नहीं था, है ना। और उनकी पर्सनालिटी में भी चेंज आया होगा। दोनों एक साथ होने से वो खुशियाँ भी दिखाई देती होंगी, ठीक है। तो इस तरह का एक अच्छा रिलेशन, खुशियों वाला रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर आपका पास्ट में दिख रहा है, जो शुरुआत में होगा आपका, पहले होगा, अभी हो सकता है कि वैसे नहीं हो और अभी चीज़ें बदल गई हों, है ना। क्योंकि देखो कार्ड्स जो आए हैं ये भी बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में पैसे का भी लेन देन हुआ है और ऐसा है कि आपने काफ़ी मदद भी की है अपने पर्सन की। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जब आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे तब उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, जिसको कि भूल पाना दोनों में से किसी के भी उसमें नहीं है, दिल में नहीं है, है ना। अभी क्या सिचुएशन है, अभी तो यहाँ पर आप मुझे बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही कष्ट में, होपलेस से, डिसअपॉइंटेड, हर्ट दिख रहे हैं, जैसे बहुत दुख हुआ है। और एक ऐसी फीलिंग आपके अंदर दिख रही है कि जैसे बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हुआ है, आपने इतना कुछ सजा संवारा था अपने जीवन के लिए, सपने भी देखे थे, कितना कुछ आपने सोचा था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो चीज़ें बर्बाद हो गई और वो समझ में भी नहीं आया कि क्यों हो गई। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे पर्सन ने आना ही छोड़ दिया, पर्सन ने आपसे कनेक्ट होना ही छोड़ दिया और आप इंतज़ार ही करते रह गए। दिल में अभी भी प्यार है आपके, आप उनको छोड़कर मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। अगर करने की कोशिश भी करते हैं तो पता नहीं क्या एक ऐसी खींच है जो आपको उनसे अलग नहीं होने देती है, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है, आप भी ये बात जानते हैं कि आपके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है, आपको तो और भी रिलेशनशिप मिल जाएंगे अगर आप चाहें तो, लेकिन वो आपको नहीं चाहिए, और रिलेशनशिप नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा जुड़ गए थे, इतना ज़्यादा दिल से, आत्मा से जुड़ गए थे कि आपको वो अब ये जो सिचुएशन चल रही है ये सहन नहीं हो पा रही है।
और समझ में भी नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे आपके पर्सन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है इस कार्ड में कि आप बहुत सारे ना प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि जो सिचुएशन अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है, आप उसको चेंज करने में लगे हुए हैं। जो भी आपके पास मतलब साधन है, या जितना आपको समझ में आता है, या जितना आपको डिवाइन से गाइडेंस मिल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग, है ना, आप वो एनर्जी चेंज करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, और आपको विश्वास है कि ज़रूर ठीक हो जाएगा, आपके पर्सन ज़रूर लौट आएंगे, है ना। ये कार्ड मुझे ऐसा दिखा रहा है आपके बारे में। और आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा एक डिफेंडिंग से मूड में हैं। मतलब ऐसा है कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपने ही मन में आपको लेकर कई सारी वॉल्स खड़ी कर ली हैं, है ना। जैसे जजमेंटल से हो गए हैं, और जजमेंटल होने की वजह से वो अपने आप को लगातार डिफेंड करते रहते हैं। अगर आप कुछ बोलते भी होंगे, अगर कुछ क्लैरिटी के लिए, तो वो हमेशा डिफेंड करते होंगे, नहीं मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, या नहीं कर सकता, या फिर ऐसा कैसे सोच लिया तुमने, या कुछ भी, मतलब डिफेंड कर रहे होंगे खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश, ऐसा है ना, खुद को छुपाने की कोशिश करते हैं। जो वो हैं वो दिखाते नहीं हैं, वो चाहते भी नहीं हैं कि आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में पता लगे, ऐसा है। तो वो आपको अपने तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, या अपनी ज़िंदगी में घुसने नहीं देते हैं। वो नहीं चाहते कि चीज़ें आपको पता लगें, या उनकी लाइफ में वो क्या क्या कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपको वो बातें पता लगें, है ना। ऐसा ही होगा ना, इसमें आया है तो अच्छा। और आपकी फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए, आप बहुत तड़प रहे हैं उनके लिए, और तड़प तो रहे ही हैं, साथ में ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यार से, रिश्तों से भरोसा सा उठ गया है आपका, और बहुत टूट गए हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अकेले हो भी गए हैं, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में बहुत अकेले हो गए हैं। ऐसा क्वेश्चंस हैं आपके मन में कि आपके साथ क्यों ऐसा हुआ, अगर आपके पर्सन को ऐसा ही करना था तो उसने खेला क्यों आपके साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ क्यों खेला, क्यों आया, वो नहीं आता ना। इस तरह के उलझने आपके दिमाग में चल रही हैं, ठीक है ना। अगर आपके पर्सन की एनर्जी देखूं आपके लिए, तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकती हूं कि वो आपको भूल चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी अगर आप उनको याद करते हैं तो उन तक वो एनर्जी पहुंचती है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ है जो उनको रोक रही है आपके पास आने से, आपसे कनेक्ट होने से, है ना, ये जो कार्ड मुझे बता रहा है। और कई बार उनका मन करता है कि आपको टेक्स्ट करें, या आपको एक बार कॉल कर लें, या एक बार आपको देख लें, या कुछ भी ऐसा। मतलब अगर जब वो अपने, जब उनका दिल हावी होता है ना उनके ऊपर, जब उनकी भावनाएं हावी होती हैं, तो उनका मन करता है कि एक बार आपको टेक्स्ट करें, लेकिन वो नहीं करते होंगे, क्योंकि यहाँ जो कार्ड बता रहा है वो ऐसा ही बता रहा है, एक फंसी हुई सी उनकी स्थिति है पर्सन की आपकी। जैसे जो वो उनके दिल में है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और अपना ध्यान आपसे हटाने के लिए वो बाहर की और दूसरी चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, ऐसा है, ठीक है ना। तो अकेले में अगर हैं तो आपको ज़रूर याद करते हैं, अगर जब भी इनकी भावनाएं हावी होती हैं, आप याद आते ही आते हैं, उनको याद आते ही हैं।
इनको ऐसा है कि आपके साथ जो टाइम इन्होंने स्पेंड किया है वो भी याद तो आता है, और ये बात भी जानते हैं आपके पर्सन कि जितना प्यार आपने करा है, और इतना प्यार तो और कोई नहीं कर सकता है ना? ठीक है, ये है। तो अभी भी आपके पर्सन के मन में आपके लिए भावनाएं तो हैं, दिल में हैं तो है ही, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है उनको? तो ऐसा है कि यहाँ पर कुछ तो है जो मैनिपुलेट कर रहा है आपके पर्सन को, आपके पर्सन की सोच को मैनिपुलेट कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है कोई आपके पर्सन को। उसी की वजह से ये आपके पास आते आते भी रुक जाते हैं। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं कि क्या है ऐसा जो आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यहाँ पर एक तो कोई मेल पर्सन का डोमिनेंस हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर, किसी मेल पर्सन का डोमिनेंस, या फिर किसी पावरफुल पर्सन, भले ही वो मेल नहीं हो, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन वो पावरफुल होगा, उसका इन्फ्लुएंस। पावरफुल मतलब कि आपके पर्सन की लाइफ में इम्पॉर्टेंट होगा वो पर्सन जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो ये भड़काना कहा जाएगा, कि जो भड़का रहा है ना, उसके भड़काने की वजह से रिश्ता खराब हुआ है। इसका मतलब ही ये है कि किसी ने तो बीच में आके भड़काया है जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। तो अभी नियर फ्यूचर आपके रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है? नियर फ्यूचर में अभी थोड़े से उदासीनता है रिश्ते में आपके, और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी से तो एनर्जी नहीं बदल रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कोल्डनेस लग रही है, जैसे एनर्जी जैसे जमी हुई लग रही है आपके पर्सन की, आपकी कुछ ऐसी भावनाएं हैं आपके अंदर जो आपने फ्रीज कर ली। फ्रीज कर ली मतलब जमा ली हैं, और अगर आपने ऐसा किया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी जम गई है, और अगर एनर्जी जम गई है, वो एनर्जी जो हमेशा फ्लो होते रहना चाहिए, अगर वो जम गई है तो ये आप इस जमी हुई एनर्जी को आप फ्लो नहीं करवा पाएंगे। और अगर आपकी एनर्जी ऐसी है, जमी हुई है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स वो जम गई हैं, भावनाएं आहत होती हैं तो जमती हैं ना, फ्रोजन हो जाती हैं, या फिर वो ज़्यादा निकलने लग जाती हैं गुस्से में, तो वो नहीं है, आपकी जम गई हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपके रिलेशन में अभी समय लगेगा ठीक होने में। ठीक है, और यहाँ पर एक कार्ड मैंने निकाला है गाइडेंस के लिए। तो टैरो इस रिलेशनशिप को लेकर क्या गाइडेंस करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर गाइडेंस के लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो टैरो की तरफ से एक तो ये है कि आप अपनी एनर्जी पर ध्यान दीजिए, है ना, आप अपनी सक्सेस पर ध्यान दीजिए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आपको पीस चाहिए, कंफर्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको जो आपके इश्यूज हैं उनको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, अपीयरेंस पर ध्यान दीजिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट। हो सकता है कि आपको ये लगता हो अब कि आपके अंदर कुछ कमी है, हो सकता है आप ऐसे ही कभी कभी बोलते हो सकता है कि मेरे अंदर ही कुछ कमी हो, इसकी वजह से वो आपके पर्सन किसी और के पास चले गए, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, है ना। तो ऐसा नेगेटिव लो एनर्जी वाले थॉट्स कभी भी मत लेकर आना अपने अंदर, क्योंकि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं। और
रीयूनियन हो जाएगा अगर आप अपनी एनर्जी को ठीक कर लेते हैं, ठीक है। और डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो उसमें आया है आपके लिए किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो डिवाइन के लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन की तरफ से, एक तो देखिए डिवाइन ये कह रहा है कि आपको थोड़ा सा काम होना चाहिए, काम रहिए और इमोशनल मैच्योरिटी वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको लर्न करना है, इमोशंस में बह नहीं जाना है, मैच्योरिटी होनी चाहिए, ऑलरेडी ऑनेस्टी है, फेयरनेस है ना आपके रिलेशन में, लेकिन फिर भी आपको जो लर्न करना है वो ये कि अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल करना सही वर्ड नहीं होता है, मैच्योर होना सही होता है ना, समझ कर फिर हम अपनी भावनाएं किसी के आगे रखते हैं। और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी है, उसमें आप अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व कीजिए, उससे आपकी एनर्जी को फ़र्क पड़ेगा, आपकी एनर्जी ठीक होगी, ठीक है। तो जो भी गाइडेंस आया है तो ये आया है कि आप अपनी एनर्जी को ठीक कीजिए ना, जो आपके फ्रोज़न ये इमोशंस हैं, अगर ऐसी एनर्जी आपकी भी है, अगर आपको लगता है कि वाकई में ये आपके लिए ही है कार्ड, तो आपको इसके लिए थेरेपी लेनी चाहिए, ठीक है। बिना थेरेपी के ये फ्रोज़न जो इमोशंस होते हैं ना, ये नहीं निकलते और ये सोल के साथ चिपक जाते हैं, तो मतलब ऐसा है कि मरने के बाद भी ये पीछा नहीं छोड़ते हैं, दूसरी लाइफ में चले जाएंगे ये इमोशंस, तो इसके लिए काम करना चाहिए। अगर आप अपने पर्सन को पाना चाहते हैं, अगर आप अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, तो आपको इस पर काम करना ही पड़ेगा, ओके। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, अब मैं पाइल नंबर 2 के लिए और रीड कर लेती। तो पाइल नंबर 2 है एंजल, पायराइट का एंजल है ये, बहुत अबंडेंस वाला एंजल है ये, आपको अबंडेंस देगा हर तरह की, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड निकालते हैं, आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सेकेंड नंबर का कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, और एक और निकालूंगी मैं डिवाइन गाइडेंस के लिए, नाइट ऑफ कप्स, एक कार्ड और ये निकला है, तो इसको इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, तो इसको ओवरऑल देख लेंगे बाद में, ठीक है, यहाँ पर रख लेती हूँ, ये निकला है तो ओके। तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स के कार्ड निकले हैं, एयर एलिमेंट ज़रूर आया है, ठीक है। और 1, 2, 3, 4, 5 फायर एलिमेंट है, और 1, 2 अर्थ एलिमेंट है, 2, 3 वाटर एलिमेंट है, ओके। तो चलिए रीडिंग करते हैं इसकी। तो सबसे पहले देखो, आप के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आप ना बहुत ही आप बहुत ही पैशनेट हैं, क्रिएटिव होंगे, आपके अंदर क्रिएटिव स्किल होगी,
और आपके अंदर ना चीज़ों को शुरू करने की एक कैपेबिलिटी होगी अलग, आप अलग तरीके से सोचते हैं और आप बहुत प्यार से किसी काम को करते हैं, मन लगा के कोई भी चीज़ आप करते हैं और नेचर से आपको प्यार होगा, ब्यूटी आपको पसंद आती होगी, आपको आर्ट पसंद आता होगा, अलग तरह की चीज़ें आपको पसंद आती होंगी, जैसे अगर ड्रेस है, ज्वेलरी है या कुछ भी, अगर ऐसी कुछ आपके पसंद का है तो आपको डिफरेंट सी आर्टिस्टिक चीज़ें पसंद आती होंगी और आप अप्रिशिएट भी करते होंगे। आपको अभी का तो पता नहीं, लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी है वो ऐसा कि आपको, आप अपने लुक पर थोड़ा ध्यान देते होंगे और आपको मतलब फ्रेग्रेंस अच्छी लगती होगी, ऐसा पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही बिल्कुल सटीक हो, कुछ चीज़ें हो सकती हैं और कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ आप में ना होकर जो और दूसरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें हो सकता है, ठीक है, ऐसा है। और आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ही, मैं कह सकती हूँ कि लोग पसंद करते होंगे, ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी, ठीक है। अच्छा, और आपके पर्सन जो हैं वो भी शायद हो सकता है क्रिएटिव ही हों, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक ही फील्ड से हों, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा हो, ऐसे चांसेस हो सकते हैं क्योंकि मुझे उस तरह के वाइब्रेशन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है और जल्दी से रूट जाते होंगे और फिर एक्सपेक्ट करते होंगे कि मनाए कोई, बात नहीं करते होंगे, जब रूट जाते होंगे तो बात बंद कर देते होंगे, आपको सताते होंगे, इस तरह की पर्सनालिटी आपके पर्सन की है। उनको अपने लुक पर बहुत ज़्यादा घमंड होगा या ध्यान देते होंगे, एक घमंड सा है उनको अपने ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर, जैसे जैसे वो ही हैं सारी दुनिया में और तो उनके जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा, ठीक है। रिलेशनशिप आपका काफ़ी टाइम से परेशान चल रहा है, ख़राब चल रहा है, आप दुखी हैं, परेशान हैं अपने रिलेशनशिप में, और ऐसा है कि हमेशा जैसे आप ही का दिल दुखाया गया है, कभी समझा नहीं, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, आप हमेशा अच्छा अच्छा करते गए, आप हमेशा अपनी तरफ से लुटाते गए, लेकिन आपके पर्सन ने समझा नहीं, ठीक है, समझा नहीं उस चीज़ को, और ऐसा है कि फ़ायदा सा उठा लिया उन्होंने आपका, ठीक है ना। चालाक हैं आपके पर्सन, पूरी तरह से कह सकती हूँ कि आपके पर्सन चालाक हैं। अगर आप उनको, उनके अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ भी देखते हैं ना, ये आपकी अपनी क्वालिटी है कि आप उनके अंदर अच्छाइयाँ देखते हैं, कि उनके अंदर अच्छी बातें भी हैं, तो भी मैं उनको भूला तो नहीं कह सकती, आपको ज़रूर कह सकती हूँ कि आप भूले हैं, आपके पर्सन चालाक हैं, धोखा देने में माहिर हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने उनके साथ दिल लगाया है और उसका आपको परिणाम भी मिला कि उन्होंने आपके दिल को बहुत दुखाया है, किसी भी चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं, आपके बारे में सोचा ही नहीं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे सेपरेशन है अभी भी आप दोनों के बीच में, और काफ़ी समय हो गया है इस बात को, और आप फाइट करने में लगे हुए हैं, है ना, आप फाइट करने में लगे हुए हैं, बस किसी तरह से ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए, और उसकी वजह से आप किसी और को अपने करीब आने भी नहीं दे रहे हैं, जैसे आपने अपने आप को मतलब जैसे चारों तरफ से ना बंद कर लिया है, आप मूव ऑन नहीं करना चाहते, ऐसा है। ओके, तो आप, अगर देखा जाए तो आप तो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं,
कि ठीक हो ही जाएगा। हालांकि परेशान हो जाते हैं, अक्सर परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी विश्वास है आपको यूनिवर्स पर कि आपका प्यार जीतेगा। आपको अपने प्यार पर बहुत भरोसा है, आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा है कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो उसको आना ही पड़ेगा। बस डिवाइन के गाइडेंस आप देखते रहते हो, कैच करते रहते हो, यूनिवर्स के गाइडेंस आप कैच करते रहते हो और उसके अकॉर्डिंग शायद काम करते हो, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी बेटर हुई भी होंगी, पॉजिटिव कुछ तो आपको दिखाई भी दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है धोखा दे रहे हैं, झूठ बोलते हैं, कई बार उन्होंने झूठ बोला है आपसे और आपने पकड़ भी लिया उस झूठ को, लेकिन फिर भी आपने इग्नोर कर दिया क्योंकि आपका प्यार ही बहुत ज़्यादा था और आपको लगा कि शायद अब आपके पर्सन सुधर गए हैं, सुधर जाएंगे या कुछ भी है, है ना। लेकिन वो अभी भी आपको धोखा ही दे रहे हैं, अभी भी आपको अंधेरे में रख रहे हैं आपके पर्सन, और बहुत चालाक हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आप ही नहीं हैं जिसके साथ वो ऐसा करते हैं, वो सभी के साथ ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो आपके पर्सन धोखा दे रहे हैं आपको। और क्या है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है इन्फ्लुएंस करती हुई और गलत तरीके से, किसी तरह की ब्लैक एनर्जी वो यूज़ कर सकती है थर्ड पार्टी, चाहे आपके पर्सन पर, आपके ऊपर भी हो सकता है और पर्सन पर तो है ही। तो यहाँ पर ब्लैक एनर्जी भी दिख रही है और थर्ड पार्टी भी बहुत चालाक है और ऐसी है कि जैसे आपके पर्सन औरों को सबको धोखा दे सकते हैं लेकिन थर्ड पार्टी को धोखा नहीं दे पाते हैं, या उनका मन ही नहीं करता है, उसके साथ लॉयल से रहते हैं। आपको खुद भी लगता होगा कि ये इंसान सबके साथ तो ऐसा कर देता है, इसके साथ ही ऐसा नहीं करता, है ना, वो है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, वो सारे पैंतरे जानती है कैसे किसको वश में करना है, और वश में करने के लिए ये जो है गलत तरीके भी यूज़ करती है, क्योंकि इसको एक फीलिंग होती है कि इसको सिर्फ जीतना है। समझ गए आप, ऐसा है। देखो, आप अपने कमिटमेंट के पूरे हैं, पक्के हैं, और इस रिश्ते में आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने कमिटमेंट किया है तो आप आज भी अपने पर्सन का इंतज़ार करेंगे। ऐसा है आपका कमिटमेंट, ऐसी है आपकी फीलिंग्स। और आपके पर्सन का अगर देखा जाए तो आपके पर्सन वो उनका मन चलायमान है, टिकते नहीं है एक जगह पर, ठीक है, टिकते नहीं है, अपना फ़ायदा पहले देखते हैं, कहाँ पर उनको अपना फ़ायदा है, चाहे पैसे से हो, चाहे प्यार से हो, कुछ मिल रहा हो उन्हें, वो अपना फ़ायदा देखते हैं। और उनका क्या रहता है कि वो ना हर चीज़ को जैसे बैलेंस सा करके चलते हैं। बैलेंस एक अच्छा वर्ड हो गया, बैलेंस नहीं, मतलब हर चीज़ को वो चलाते रहते हैं, बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ऐसा बेवकूफ़ बनाना सही शब्द है, बैलेंस ठीक नहीं है, क्योंकि इतने चालाक लोग बैलेंस नहीं करते हैं, वो बेवकूफ़ बनाते हैं और सब तरफ से वो संभालते रहते हैं, इससे भी संभाल रखा है, उससे भी संभाल रखा है, उससे भी संभाल रखा है, सब जगह मतलब अपने प्यादे वो सेट करके रखते हैं। ऐसा है उनका नेचर, ठीक है। तो आप तो अपने लॉयल हैं आप, लेकिन पर्सन के लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन ख़राब रहती है, तबीयत तो हो ही सकती है, स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत रहता हो, जैसे आप पहले थे वैसे आप बिल्कुल भी नहीं होते हों, बिल्कुल वैसे नहीं रह गए हों। आप मुझे बंधे हुए दिख रहे हैं और बंधे हुए भी जैसे आपके ऊपर किसी ने कुछ तो गलत प्रयोग कर रखा है ना। और ऐसा भी है कि जो चीज़ें आपके फेवर में होती हैं उन चीज़ों को आप जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, आप मौके का फ़ायदा ही नहीं उठा पाते,
आपको उतना समझ में ही नहीं आता कि जब वो मौका निकल जाता है तब आपको लगता है, जब और लोग बताते हैं या वैसे ही आप ही पता लगाते होंगे कि अरे ये इस टाइम पर तो ऐसा करना चाहिए था, ये नहीं कर पाए आप। आपके हो सकता है करियर भी ठीक नहीं चल रहा हो, आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हों कि जॉबलेस हो सकते हैं आप, या काम ठीक से नहीं चल रहा है, और भी परेशानियाँ ही परेशानियाँ चल रही होंगी आपकी लाइफ में, है ना। ऐसी दिख रही है मुझे तो आपकी हालत बड़ी ख़राब दिख रही है। हालांकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके जैसा इंसान हार नहीं मानता है, ये उसकी अपनी क्वालिटी होती है कि हार नहीं मानता वो, उसको भरोसा बहुत होता है अपने ऊपर, अपने प्यार पर। तो अगर नियर फ्यूचर देखें तो नियर फ्यूचर में देखो 10 of Cups का कार्ड आया है, और ये तो रीयूनियन बता रहा है, और बहुत खुशी खुशी रीयूनियन बता रहा है। हो सकता है कि आपकी फैमिली भी हो आपकी, है ना, और वो सारे लोग ही बहुत खुश हो जाए इस रीयूनियन से, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर रीयूनियन तो फॉर श्योर दिखाई दे रहा है। अब टैरो क्या गाइड कर रहा है आपको इस यहाँ तक, इस नियर फ्यूचर तक पहुँचने के लिए टैरो आपको क्या गाइड कर रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। उसके लिए आया है 2 of Swords का कार्ड आया है। तो ये होता है, ये बताता है कि देखो आप जो है ना किसी तरह के डिलेमा में हैं। आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना है, ठीक है। और सिचुएशन ऐसी है कि क्विक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, और आप जो सोच रहे हैं, आप काफ़ी टेंस्ड थिंकिंग है आपकी, आपकी सोच जो है ना, सोच में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, विथड्रॉल है, ऐसा है कि आप अपने आप से ही दूर हो चुके हैं, आपने खुद को खुद से ही दूर कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसी पर्सनालिटी हैं वैसे रह ही नहीं गए हैं, आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं अपनी खुशियों पर, अपने ऊपर, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चीज़ आपको खुशी देती है, आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, है ना। आपने अपना कंसंट्रेशन अपने ऊपर से हटा लिया है, और लोगों से हो सकता है हटा लिया, अपने ऊपर से तो हटा ही लिया है। और जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो परेशानियां हैं, उनको सेटल करने की बस लगातार, मतलब जैसे अटेम्प्ट करते जा रहे हैं लगातार, किसी तरह से बात भी करना चाहते हैं, किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हैं, है ना, बैलेंस लाना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, लेकिन आपने खुद को खुद से बहुत दूर कर रखा है। तो ये जो एनर्जी है ये बड़ी ही स्टिल एनर्जी है, डेड सी एनर्जी है। एक ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर बहुत कुछ मर गया है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पर काम करना है, ये टैरो का गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है ना, आपको इस चीज़ पर काम करना है। अगर आप टैरो के गाइडेंस के हिसाब से चलते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। और डिवाइन गाइडेंस के लिए आया है 9 of Cups, और एक और कार्ड आया था जो गिर गया था, Queen of Cups, ओके। तो डिवाइन क्या गाइड कर रहा है, दोनों ही कप के कार्ड हैं, वाओ। और डिवाइन जो है क्या गाइड कर रहा है आपके लिए, ये कप के कार्ड हैं दोनों ही, तो केयर, डिवोशन, और ऐसा बता रहे हैं डिवाइन कि इमोशंस जो है ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, लेकिन आपके पर्सन में और आपके अंदर भी सिर में ना क्लाउडीनेस है, आपके क्लैरिटी नहीं है, मतलब ऐसा क्लाउडी क्लाउडी सा हेड रहता होगा आपको, आपको समझ नहीं आता होगा, है ना। आपकी फीलिंग्स बहुत डेलिकेट हैं, और जो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं, बहुत डेलिकेट फीलिंग्स हैं, ठीक है। और आपके सबकॉन्शियस माइंड उसमें भी बहुत कुछ भरा हुआ है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है,
सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पेन है, बहुत हर्ट है, ठीक है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपकी बॉडी के अंदर, जगह जगह बहुत इमोशंस हैं, और ये इमोशंस जो हैं आपके इस रीयूनियन में ऑब्स्टेकल डाल रहे हैं, क्योंकि वो इमोशन हर्ट इमोशन हैं, आप बहुत हर्ट हुए हैं, पेनफुल इमोशन हैं, इनको रिलीज़ करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो डिवाइन का गाइडेंस है वो ये है कि आप वीक नहीं हैं, आपके अंदर बहुत मॉरल क्वालिटीज़ हैं, लेकिन एक तो आपको थोड़ा सा डिप्लोमेसी जो होती है ना उसको सीखना चाहिए, और अपने लिए एक काम फेवरेबल एटमॉस्फेयर बनाइए। मतलब ऐसा है कि अगर आप अपने एटमॉस्फेयर में एंग्जाइटी में रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। फ्रेंडली कम्युनिकेशन कीजिए, है ना, और जो आर्टिस्टिक अप्रोच लाइए अपने काम में, जैसे पैशनेट आप हैं ही, पहले ही बता रखा है कार्ड ने, तो जो भी काम आप करते हैं, जो आपकी हॉबी है, उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए। आप खाली फ़ोन में ही अपने टाइम को सारे को पास मत कर दीजिए, सारा टाइम अपना फ़ोन में ही मत लगा दीजिए, सर्च करने में या सिर्फ देखने 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 में, आप खुद से भी कीजिए। अगर आपको कुछ पेंटिंग पसंद है तो ब्रश उठाइए, कलर्स उठाइए, कुछ तो बनाइए, कुछ भी बनाइए, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ही उस पेंटिंग में निकाल दीजिए। देखिए तो आप अपनी फ़ोटो बनाइए, फ़ोटो मतलब एक इमेज अपनी बनाइए इमेजिन करके, देखिए फिर उसके बाद वो क्या कह रही है आपसे। इस तरह से खुद को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, तब आपके रिश्ते सुधर पाएंगे, तब वो चीज़ें वैसी बनेंगी जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा जिससे कि और लोगों तक भी पहुँच जाए, और फिर एक और रीडिंग में मिलेंगे, उसमें देखेंगे थर्ड पार्टी के बारे में करेंगे कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में क्या पता लगता है, और थर्ड पार्टी का आपसे क्या कनेक्शन है, क्यों वो आपकी लाइफ को नरक बनाने में तुली पड़ी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।